इनकम्प्लीट या अभी तो शुरुआत है. वाह, दिस इज मुकेश मलिक फ्रॉम ओडिशा. योर वॉइस इज लाइक पेन किलर फॉर मी. अच्छा लगा सुन के. दवाइयां नहीं लेनी चाहिए वैसे भी लाइफ में. अवॉइड. ट्रेंड्स हैव चेंज्ड. इट्स नॉट एनीमोर जस्ट फिल्म म्यूजिक. इट इज वेरी इट टर्निंग टुवर्ड्स इंडिपेंडेंट अगेन. 24/7 वो ध्यान लगा रहना किसी के लिए, इतना प्यार. पता नहीं क्या पुण्य किए हैं मैंने पिछले जन्म में कि ये मिल गया मुझे. इलैयाराजा जी के लिए गाना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो बहुत पर्टिकुलर है कि वो गाना उनकी जो कॉम्पोजिशन है उससे थोड़ा सा भी भटकना नहीं चाहिए. तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल. डिस्क्रिमिनेशन जस्ट म्यूजिक इंडस्ट्री में नहीं है, कोई भी इंडस्ट्री में होगी और होती है. और अगर आप वो कन्विक्शन से काम करते रहेंगे और अच्छा काम करेंगे, आप पूरी एनर्जी उसमें डालें, तो वो आगे आएगा ही. इट विल शाइन आउट नो मैटर व्हाट. We move on to the fan questions. There are too many of them. Let's see how many we can possibly take it. But this is Mukesh Malik from Odisha. Your voice is like painkiller for me. Whenever I'm sad for any reason, I listen to your song. Can you sing a few lines of any of your song, please? Okay, Mukesh, thank you so much. I'm so glad it's a painkiller for you. अच्छा लगा सुन के. दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए वैसे भी लाइफ में. Avoid. Music be the final dawai for everything. What should I sing for you? कुछ फिल्म के ही गा देती हूँ. आई मीन आई डू अ लॉट ऑफ माई नॉन फिल्म ऑफ लेट आई हैव बीन टॉकिंग. कुछ अपने फिल्म का गाना गा देती हूँ. सो लेट मी सिंग. नजर जो तेरी लागी मैं दीवानी हो गई. दीवानी हाँ दीवानी दीवानी हो गई. मशहूर मेरे इश्क की कहानी हो गई. जो जग ने न मानी तो मैंने भी ठानी. कहाँ थी मैं देखो कहाँ चली आई. कहते हैं ये दीवानी मस्तानी हो गई. दीवानी हाँ दीवानी दीवानी हो गई. Amazing, 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 amazing. All right, this is Anushka Saha from Kolkata. My question is, how does she feel or what does she think when she looks back to her past, the journey of reaching here today, for what she's known for, from what she had been known for? Journey. This journey has been amazing. With all the highs, all the lows, I think I rarely do look back, but whenever I do look back and I feel ki, wow, there have been so many moments in my life which kind of made that change of direction. Like my first time I sang in front of an audience. Jaise wo shayad umar hogi 9 saal ki jab maine apne community se bahar jaake ek alag audience ke samne pehli bar perform kiya. Wo pehli taaliyan, wo pehli applause, wo aaj bhi yaad hai. Wo sab etched hai in my heart. Wahan se confidence aaya ki chalo aage kuch aur karte hain. Fir कितने कुछ बहुत कुछ किया है. मेरे मेरे डैड मेरी मम्मी ने मेरे को इतना सपोर्ट किया. एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर टुडे. एंड हाउ कैन आई एवर एवर यू नो रीपे दैट डेट. वो तो माँ बाप हैं तो उन्होंने किया ही है. बट आई फील वेरी फॉर्चुनेट कि दे रिकग्नाइज दैट इन मी एंड डिड व्हाटएवर. बहुत कॉम्पिटिशन दिल्ली गई, फिर सब जूनियर लेवल में बहुत कॉम्पिटिशन्स किए जहाँ बड़े बड़े दिग्गज लोगों ने मुझे सुना, आशीर्वाद दिया. फिर सारे गामा हैपेंड, देन वी मूव टू बॉम्बे. फिर कल्याण जी भाई के साथ गाना सीखना शुरू किया, गाया. देन डिड सो मेनी बंगाली मराठी एल्बम्स एट आई वाज 13 व्हेन ऑल ऑफ दिस वाज हैपनिंग. देन देवदास हैपेंड एट 16. एंड उसके बाद ना सच में ज्यादातर ही सब ब्लर है बिकॉज बहुत फास्ट गई है लाइफ. बहुत कमाल की चीजें हुई हैं बट वो सुकून नहीं रहा लाइफ में टू सिट एंड थिंक क्या क्या किया क्या हुआ. इस लॉकडाउन में बहुत टाइम मिला ये सब सोचने के लिए. ओके, दिस इज मीना फ्रॉम चेन्नई. एज यू बीन इनटू इंडिपेंडेंट वर्क्स इन अ सेम लैंग्वेज फॉर 5 कंसेक्यूटिव टाइम्स,
We all know you're born with regional works, and when can we expect your independent work in regional languages such as Tamil, Telugu, Kannada, etc.? Yeah. Meena from Chennai. Meena, actually, ये मीना ने शायद पहले पूछा है और भी काफी comments मुझे आए हैं इस चीज के लिए. मैं इसको seriously सोच रही हूँ क्योंकि you're right. Regional languages में मेरा जो काम है, उसकी जो audience है, उन्होंने मुझे यहाँ तक लाया है. मेरी एक बहुत ज्यादा उनके साथ बॉन्डिंग है. मैं जरूर करूंगी. ऑफ कोर्स बंगाली तो मेरी मदर टंग है, तो उसमें तो मुझे करना ही चाहिए. बट तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, ये चार लैंग्वेजेस में मेरे आई फील आई हैव सम काइंड ऑफ मैंने आई नीड टू गिव बैक टू दिस लैंग्वेज ऑल्सो. बहुत मिला है मुझे वहां से, इतना प्यार, इतनी रिस्पेक्ट, इतने अवार्ड्स और इतना सम्मान. तो Yes, independent में ये मैं करूंगी. That's definitely happening. All right, this is Upuli from Sri Lanka. What has been the most satisfying experience of your almost 20-year journey as a playback singer? As a playback singer, तो 20 years. Yeah, it's gonna be 20 years next year. Actually, मतलब from my first release, Devdas was released in 2002. So 2022 में ये हो जाएंगे 20 साल. बट मेरी एक्चुअली जर्नी और भी लंबी रही है. वो उसके पहले के नॉन फिल्म वर्क को मैं कंसिडर करती हूँ तो उससे ज्यादा है. पर ये जर्नी बहुत ही बहुत यूनिक रही है. कितने डिफरेंट फेजेस देखे हैं मैंने म्यूजिक के. हर 2-3 साल में म्यूजिक चेंज हुआ, नए आर्टिस्ट आए. अब तो बिल्कुल ही बहुत डायनेमिकली चेंज हो गया है ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स. आई फील every year there's something completely different, new set of voices, new set of composers, trends have changed. It's not anymore just film music, it's turning towards independent again. So I do feel very lucky to have witnessed so much. And to be honest, mujhe is baat ki khushi hai ki through all these changes, जितना अच्छा म्यूजिक होता गया है उसके साथ मेरी कहीं ना कहीं एक बॉन्डिंग रही है. मैं कहीं ना कहीं उसका हिस्सा रही हूँ. तो या दिस जर्नी हैज टॉट मी अ लॉट एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर इट. दिस इज एसजीएफसी हैदराबाद. आई बिलीव दिस इज वन ऑफ योर फैन क्लब्स फ्रॉम हैदराबाद. हाउ डू यू फील व्हेन ऑल योर फैंस लीव ईच एंड एवरी वर्क असाइड एंड जस्ट सिट एंड वेट फॉर द सॉन्ग टू रिलीज? हाउ विल यू डिस्क्राइब दैट फीलिंग इन वर्ड्स? मैं इंस्टाग्राम पे आपका चैट देख रहा था, लाइव देख रहा था. आपने उसमें बताया कि दैट वेंसडे है एंड पीपल हैव लेफ्ट देयर क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस टू वेट फॉर द लॉन्च. आई वाज सीइंग दैट एंड आई फेल्ट सो गिल्टी फॉर इट. मैंने वेंसडे मॉर्निंग को क्यों चूज किया इसको करने के लिए? आई शुड हैव वेटेड फॉर द वीकेंड. सो मेनी बच्चास हैव लेफ्ट देयर ऑनलाइन क्लासेस और कॉलेज बंक कर लिया. या सो मेनी ऑफ देम आर नाउ यू नो डॉक्टर्स हैं जिनको जाना ही पड़ा, बट फिर भी उनका मन नहीं लग रहा था कहीं काम पे. तो मुझे थोड़ा उसके लिए गिल्टी तो जरूर हो रही थी, लेकिन मैं इतना आई वाज फीलिंग सो पैम्पर्ड एंड इतना खुद ही उड़ रही थी इन द फीलिंग दैट पीपल डू केयर सो मच. दे केयर एंड आई डोंट नो, आई वुडंट हैव बीन एबल टू डू दिस यू नो फॉर एनीवन. 24/7 वो ध्यान लगा रहना किसी के लिए, इतना प्यार, पता नहीं क्या पुण्य किए हैं मैंने पिछले जन्म में कि ये मिल गया मुझे. There are many more questions on Twitter, but I still have a lot of questions from Facebook and Insta. So I'll come to Facebook now. This is Smriti from Chennai. Which song did you feel was the most difficult one to sing? आपके करियर में सबसे मुश्किल गाना आपको क्या कौन सा लगता है? अच्छा, स्मृति हैं चेन्नई से तो वो बिल्कुल जानेंगी कि इलैयाराजा जी के लिए जब गाना होता है किसी भी सिंगर के लिए बहुत कठिन होता है. तमिल especially language में ये मैं ऐसे तो गाने काफी गाए हैं जो बहुत चैलेंजिंग होते हैं. इनफैक्ट मेरे एक्सपीरियंस में सिंपल गाने सबसे ज्यादा मुश्किल होते हैं. वहीं जाके अटकते हो. चैलेंजिंग सॉन्ग्स यूजुअली यू विल थिंक दैट मेरे ढोलना और घर मोरे परदेसी और दीज काइंड ऑफ सॉन्ग्स माइट हैव टेकन अ लॉट ऑफ एफर्ट, बट दोज आर रैदर इजी फॉर मी क्योंकि वो मेरे स्टाइल का म्यूजिक है. पर जैसे ही एक सिंपल सीधा गाना है विथ अ सर्टन कैरेक्टर, यू नो वो फिल्म में कैसे किस तरह का प्रोटैगनिस्ट, क्या सिचुएशन है उसमें, कभी कभी उस चीज में थोड़ा सा टाइम लग जाता है. बट राजा सर के लिए गाना, इलैयाराजा जी के लिए गाना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो बहुत पर्टिकुलर है कि वो गाना उनकी जो कॉम्पोजिशन है उससे थोड़ा सा भी भटकना नहीं चाहिए. और ही इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट सर्टन थिंग्स. लाइक फॉर एग्जाम्पल, लाइक गाने के एंड में जो विब्राटो वो होता है जो मैं तो बहुत खुले आम देती हूँ बिकॉज आई फील इट्स अ पार्ट ऑफ एक्सप्रेशन, बट ही डजंट लाइक इट.
सो मेनी टाइम्स आई हैव टू बी सो कॉन्शियस कि वो लाइन की एंड हो जाए तो मैं उसमें विब्राटो ना गलती से दे दूं. सो या सॉन्ग्स, ऑल सॉन्ग्स फॉर राजा सर हैव बीन चैलेंजिंग. लाइक वन ऑफ द और फर्स्ट वाज उन्ना विडर. इफ शी वांट्स अ सॉन्ग टू बी नेम्ड उन्ना विडर वीरू मांडी, बहुत ही पॉपुलर गाना है तमिल में. सुनाना चाहेंगे आप एक दो लाइन? लिरिक्स एनी वे आई विल ट्राई. उन्ना विडर hattilo sendadu unna milla unna milla unna vida indha ulahattilo sendadu unna milla unna milla vaakku pada kadacha verumaandi saachi solla sachandire varuvaandi saadi sanamella avan daandi Amazing, amazing. Sounded so nice. Sounded really nice. Thank Okay, you. this is Anam Athar from Chicago. Can you please sing a song on my request? Teri Meri Kahani, Prem Kahani from Bodyguard. Teri Meri Meri Teri Prem Kahani Hai Mushkil Do Lafzon Mein Ye बया ना हो पाए. एक दूजे से हुए जुदा जब एक दूजे के लिए बने. तेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल दो लफ्जों में ये बया ना हो पाए. Amazing. This is Christina from Florence, Italy, but a Romanian fan. If a film will be made for you about your singing career, which title you will have? अगर आपके film singing career पे film बने तो क्या title हो सकता है? Incomplete. या अभी तो शुरुआत है. Wow. All right. This is Tapan Patani from Mumbai. How was the experience of working with A.R. Rahman, especially in the Munnabe Va Tamil? Munbe Va. Okay. किसने पूछा ये? इनका नाम है Tapan Patani from Mumbai. See, मुझे बहुत. I don't think he is from Chennai. He is from Mumbai. He is a Mumbaikar proper. तो मुझे इतना अच्छा लगता है. Munbe Va ऐसा एक गाना है which transcended boundaries of language when it released. मुझे इतने इस गाने के रिक्वेस्ट आते थे फ्रॉम माय हिंदी फ्रेंड्स हु डू नॉट हैव एनी तमिल यू नो कनेक्शन. बट रहमान सर का म्यूजिक ऐसा होता है कि वो लोगों तक पहुंच जाता है नो मैटर कहाँ आप रह रहे हो. वो रोमानिया तक भी पहुंच गया होगा. ऐसा गाना है. सो एक्सपीरियंस वर्किंग विथ हिम इज ऑलवेज मैजिकल बिकॉज आई एम अ बिग फैन. तो मैं बहुत आई एम ऑलवेज इन ऑ इन फ्रंट ऑफ हिम. बिफोर इवन सिंगिंग फॉर हिम इन यू नो बरसोरे ये सब के पहले भी मैं पहली बार जब मैं उनको मिली ना मेरी बोलती बंद अभी भी बोलती बंद होती है. एंड ही इज सो जोवियल एंड ही इज सो कूल टू टॉक टू एंड वर्क विथ. आई स्टिल फील वेरी ऑकवर्ड टू टॉक विथ हिम बट व्हाट अ फिनोमिनल म्यूजिशियन. तारे गिन ऑफ लेटली इतना कमाल. वो दिल बेचारा का हम लोगों ने जब ये गाना गाया था. जी, What a complicated, जी. complicated melody, but it feels so easy on you. You know, musicians के लिए तो गुरु हैं ही, but he has always tried to bring new sounds and new, you know, techniques in music. So he's a benchmark in everything he does. Okay, this is Jalal from Calgary, Canada. For a new singer, what do you suggest? New original song, or they should start with any cover song? Wow, that's a very, very proper question, na? कि कैसे करना है exactly? मुझे तो इतना idea नहीं है to be honest, but I do see that around me, I do see how people are starting their careers because of YouTube today. बहुत easy तो है कि आप अपना music आगे रखें. हाँ, cover music में क्या होता है कि उसकी reach ज़्यादा होती है. I think that's why many of the YouTube stars जिन्होंने अपना career वहाँ से शुरू किया वो कवर से शुरू करते हैं क्योंकि वो गाना पॉपुलर है. अगर आप अच्छा गा रहे हैं अपने स्टाइल से गा रहे हैं तो उसकी एक बहुत बड़ी ऑडियंस बन जाती है इंस्टेंटली. बट साइड बाय साइड ओरिजिनल्स तो करते ही रहिए क्योंकि यू नो टाइम्स आर चेंजिंग. पीपल आर गोइंग टुवर्ड्स इंडी एंड पीपल वांट टू हियर योर थॉट्स योर वर्ड्स योर म्यूजिक योर वॉइस. सो बी डिस्टिंक्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू
Do not try to sound like anybody else. Be you. Okay, now I've taken a few Instagram questions. This is Mirza Shamail. Shreyaji, never saw you too loud and flashy. Your simplicity as a big celebrity is remarkable. How can you keep yourself down to earth? It's very effortless, Mirza. I don't think it takes me effort to be simple because I am like that. मुझे बहुत मेरा परवरिश भी ऐसा है. मुझे जो सिखाया गया बचपन से, जो आज भी मेरे लिए golden words हैं. जिस तरह से मैं रहती हूँ, जिस तरह से materialistic goals have never really been very important. Or कि मेरे पास 5 गाड़ियां हैं या सोने का बंगला है. All these things don't give me joy. वो उसमें खुशी ही नहीं है. मुझे एक थोड़ी सी सिंपल चाय सुबह मिल जाए और वहां पे पेड़ पे एक चिड़िया दिख जाए तो मैं इतना ओवरवेलम हो जाती हूँ. तो थोड़ी इमोशनल किस्म की लड़की हूँ. थोड़ा छोटी छोटी चीजों में खुशियां ज्यादा मिलती है मुझे देन द बिगर फ्लैशी accumulation of things. That's how I am. That's my personality like. Okay, this is Rafiqul Islam from Assam. First of all, congrats, ma'am. Itna sundar gana Angana More ke liye. Ek playback singer ke liye classical music seekhna zaruri hai ya phir passion hona zyada zaruri hai? Dono zaruri hai. Classical music na ek aisi language hai aapko seekhni zaruri hai taki aap jo bhi soch rahe hain, jo bhi gana cha rahe hain, wo fatak se gale mein aa jati hai. Wo execute karna बहुत आसान हो जाता है. तो वो लैंग्वेज इट्स लाइक अगर आप कविता लिखना चाहते हैं तो आपको भाषा पहले सीखना जरूरी है, राइट? हिंदी आनी चाहिए. मतलब अगर आप इंग्लिश में लिखना चाह रहे हैं या कोई बुक लिखना चाह रहे हैं, सो यू नीड टू नो द लैंग्वेज. दैट्स हाउ क्लासिकल म्यूजिक इज. आई फील इट्स द फाउंडेशन फॉर इंडियन आर्टिस्ट्स टू क्रिएट, थिंक, आइडिएट एंड एग्जीक्यूट. Very important. And then passion नहीं होगा तो फिर feelings कहाँ से आएंगी? फिर वो जोश कहाँ से आएगा कि मैं कुछ किस बात पे वो गाना लिखना चाहूंगा या किस बात पे वो गाना इजहार करना चाहूंगा या कैसे इजहार करना चाहूंगा? So both are needed. Of course, this is Advaya Vajge from Mumbai. W A J G E. Shreya the singer, producer, composer, and lyricist. Check. Now, can we expect Shreya the actress next? That doesn't happen to me. मुझे उसमें कुछ मुझे डर लगता है उसमें. I'm being very honest. मुझे डर ही लगता है ये एक्टिंग का ना चक्कर. मुझे मैं देखती हूँ जब अच्छे अच्छे एक्टर्स को देखती हूँ कि मतलब वो इस मोमेंट पे उसने कैसे रो दिया एंड वो कितना नेचुरल. लाइक व्हेन आई वॉच फ्रॉम आर फिल्म हिंदी फिल्म्स में परफॉर्मेंसेस बाय विद्या बालन एंड आई फील सो मच इन ऑफ. दैट इज अ डिफरेंट आर्ट. मे बी आई कैन ट्राई बट मुझे वो डर भी लगता है कि I'll fail. So I don't want to take that risk yet. But they say never say no. So if something happens which is so natural and organic, I'll do it. Let's see. Now, classical dance में जैसे एक रस होता है अभिनय का भी. Music में अभिनय कितना important है? बहुत ही ज्यादा important. जी. बिल्कुल बिल्कुल. ये अभिनय जो पार्ट है ना, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है. सुर, ताल, लय, टोनैलिटी, ये सारी चीजें हैं लेकिन वो दिल तक नहीं पहुंचेगी जब तक आपने उसको एक्सप्रेस नहीं किया. इसलिए काफी मतलब हाउ डू यू डिफरेंशिएट व्हाई और आशा भोसले, व्हाई और लता मंगेशकर इज देयर बिकॉज ऑफ दैट एक्सप्रेसिव क्वालिटी टू देयर वॉइसेस. दे हैव ब्यूटिफुल टोन्स बट हैड दे नॉट डन दैट डायनेमिक्स ऑफ मतलब वो हर शब्द ऐसा लगेगा कि आपके लिए गा रहे हैं. रफी साहब के गाने कहीं मैं बहुत अच्छा वो SPB सर एक कहीं शो में बोल रहे थे दीवाना हुआ बादल, वो गाना रफी साहब का, तो ऐसा लगता है सा दीवाना हुआ बादल सावन के घटा छाई ये देख के दिल झूमा. ये इतना मतलब लाड से गाया है कि ऐसा लगता है कि कोई इधर आके तुम्हारे लिए गा रहा है. तो उस इंसान से आपको मोहब्बत कैसे नहीं हो सकती? यू विल फॉल इन लव विद दैट पर्सन. सो दैट्स एक्सप्रेशन. आई मीन यू नीड टू हैव दैट फॉर स्पेशली फॉर फिल्म म्यूजिक. आई फील इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बट in general for music you need expressions. All right, this is Shreya_Vicky23. Ma'am, did you ever face any discrimination in music industry? Sometimes these negative news items demoralize young singers like me. I'm assuming your name is Vicky.
because you're Shreya underscore Vicky. Vicky, I think ये ना डिस्क्रिमिनेशन जस्ट म्यूजिक इंडस्ट्री में नहीं है, कोई भी इंडस्ट्री में होगी और होती है. आप किसी भी प्रोफेशन में जाओ, वहाँ पे कुछ ऐसी स्ट्रगल्स लाइफ में आएंगी ही, जहाँ पे आपको लगेगा कि शायद मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं इतना कोशिश कर रहा हूँ इन द राइट डायरेक्शन, बट शायद मुझे पसंद करने या सपोर्ट नहीं कर रहा है कोई. बट क्या मैं कहना चाहती हूँ कि मैंने भी बहुत देखा है ये सब हो रहा है, लेकिन मैं एक चीज में अटल रही हूँ कि मुझे जो करना है मैं वो करती रहूंगी. और अगर आप वो कन्विक्शन से काम करते रहेंगे और अच्छा काम करेंगे, आप पूरी एनर्जी उसमें डालें, तो वो आगे आएगा ही. इट विल शाइन आउट नो मैटर व्हाट. दैट इज द ह्यूमन क्वालिटी. ह्यूमंस लव गुड वर्क. कोई अच्छी चीज, कोई अच्छी कला, कोई अच्छी पेंटिंग, बहुत खूबसूरत कपड़े, यू नो, अ जेन्युइन पर्सन हु इज डूइंग सोशल वर्क, यू विल टेंड टू फील अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट. सो आप अच्छा काम करो, लोग आ जाएंगे आपके पीछे.